तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसपी का थर्ड चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स है ये बहुत ही लेंथी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से। स्टार्टिंग के जो हमारे दो चैप्टर्स थे उसको देखने के बाद ही इस पर शिफ्ट होना है आप लोगों को, उसके पहले मत शिफ्ट होना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उसमें पेज नंबर 40 पे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल, वो हम सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है, और शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज रिफर टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक है, अब ये इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आपको कवर करनी है तो पिछले वीडियोस में, पिछले चैप्टर्स में आपको सारे वीडियो देखने होंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा था शेयर कैपिटल जो बनता है वो दो शेयर्स के थ्रू बनता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहली बात ये। ठीक है, उसके बाद अब शेयर कैपिटल के क्लासिफिकेशन आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल और उसके नीचे जितने भी क्लासिफिकेशन दिए हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ रामू काका का। जो रामू काका है वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आज की तारीख में, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि मुझे बिजनेस में पैसा कितना लगेगा। और ऑफ कोर्स अगर वो ये सोच रहे हैं कि बिजनेस में पैसा कितना लगेगा तो ऑफ कोर्स उनको उस पैसे को अरेंज भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से लाना होगा, या तो खुद का पैसा लगाएं या तो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करें, किसी ना किसी इन्वेस्टर से पैसे को अरेंज करवाएं। ठीक है, सबसे पहले मतलब उनको ये सोचना होगा कि बिजनेस में पैसा कितना लगेगा और उसके बाद उनको ये सोचना होगा वो पैसा आएगा कैसे। ठीक है, अगर उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेटअप डालने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में बनाकर हम इंडिया वालों को सेल आउट करते हैं और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, और आप लोग भी देख जानते हो कि अभी 5G आने वाला है तो ऑफकोर्स बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा मोबाइल सेक्टर में, कभी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रामू काका ने डिसाइड किया मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री डालता हूं। ठीक है, अब उन्होंने ये फैक्ट्री डालने के लिए उनको क्या क्या लगेगा, मेजर चीजें क्या क्या लगेगी, लैंड लगेगा ऑफ कोर्स, जमीन आपको चाहिए, उसके पर आपको फैक्ट्री सेटअप चाहिए, तो फैक्ट्री का बिल्डिंग आपको खड़ा करना होगा, मतलब लैंड, बिल्डिंग और फैक्ट्री की मशीनरीज, सबसे ज्यादा पैसा इस पे खर्च होने वाला है, जो इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे इस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो फिर रामू काका ने क्या किया, एक सीए से कंसल्ट किया और उनसे पूछा भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा। तो सीए ने उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दी और उसमें ये मेजर खर्चे दिखाए, लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, इक्विपमेंट का और अदर फैसिलिटीज जो बिजनेस में उसको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा। ठीक है, और उसमें उन्होंने टोटल करके दिया 10 लाख रुपीज। हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि उसको बिजनेस को सेटअप करने के लिए 10 लाख रुपीज लगने वाले हैं। तो ये जो टोटल कैपिटल है, ये जो टोटल कैपिटल इतना लगेगा, एक साथ लगेगा क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा बिजनेस में लगते चलेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक उतना पैसा वो अरेंज करेंगे और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज जो बिजनेस में पैसा लगने वाला है, एक साथ नहीं लगने वाला है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये जो 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, ये जो पैसे हैं, इस ये जो अमाउंट है वो रामू काका अपने एक डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और उसमें ये अमाउंट आपको शो करना होगा कि मुझे बिजनेस को सेटअप करने के लिए 10 लाख रुपीज लगने वाले हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट में जाकर आप रजिस्टर कर दोगे। इसका मतलब ऑथराइज कैपिटल उसी को कहा जाएगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, कैपिटल क्लॉज में। 11th में आप लोगों ने एमओए पढ़ा था, राइट? तो उसी में कैपिटल क्लॉज में अगर जो अमाउंट लिखी जाती है उसी को ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल तरीके से अगर आप ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन बुक में आप देखेंगे तो उसमें क्या दिया है, ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल
authorized by memorandum of associations that a company can raise by issuing shares. मतलब authorize किसने किया? Memorandum of association में, और वो amount लिखा है, वो business में लगने वाला है, लेकिन अभी लगा नहीं है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. इतना पैसा उसने अभी तक पूरा अरेंज भी नहीं किया रामू काका ने. ठीक है, इसका मतलब ऐसा पैसा जो उस डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाए कि मुझे पूरा बिजनेस में लगेगा, ठीक है, फ्यूचर में प्रेजेंट में मिलाकर ये सब मुझे लगने वाला है, उसी पैसे को ऑथोराइज कैपिटल कहा जा रहा है. ठीक है, अब रामू काका ने क्या किया फिर, ये जो 10 लाख रुपए के लिए उन्होंने सोचा कि भाई कैसे अरेंज किया जाए. पूरे 10 लाख रुपए एक साथ अरेंज नहीं होंगे, ठीक है, मैंने पहले ही कहा. इसलिए अगर आप क्लासिफिकेशन में फ्लो चार्ट में आप देखेंगे तो 10 लाख रुपए कैसे जमा होंगे, 1 लाख शेयर. अगर उनकी शेयर की कीमत 10 रुपए होगी तो 10 रुपए डिवाइड बाय 10 लाख अगर आप करोगे तो आपको 1 लाख शेयर्स मिलेंगे. 1 लाख शेयर्स हो रहे हैं, 1 लाख शेयर जब 10 रुपए में बिकेंगे तो आपके पास 10 लाख रुपीज जमा होंगे, अभी हुए नहीं है. ठीक है, ये बात को क्लियर रखो. राइट, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो आप 10 लाख रुपीज इस डॉक्यूमेंट में लिखते हो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है. ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल कैपिटल भी उसको कहा जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल भी उसी को कहा जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया ऑथोराइज कैपिटल. ठीक है, जो पैसा हमें बिजनेस में लगने वाला है उसी कैपिटल को ऑथोराइज कैपिटल कहा जाता है. उसके बाद फिर ये इन्वेस्टर को ढूंढेगा. इसके पास अगर पैसा नहीं है, रामू काका के पास अगर पैसा नहीं है, वो नए नए इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे, उनको अपने बिजनेस की प्लानिंग बताएंगे, उनको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएंगे, और अगर वो इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तो ऑफकोर्स फायदा ही फायदा होगा, और बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस फिर चल पड़ेगा. ठीक है, इसका मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, फिर उसके बाद कंपनी ने शेयर इशू किया होगा. शेयर इशू करना मतलब पब्लिक को प्रोस्पेक्टस छपवा कर उनसे पैसा लेना फॉर्म के थ्रू. ठीक है, तो इस पे हमने पहले ही बात कर चुकी है कि कैसे शेयर इशू किए जाते हैं. अभी सिर्फ मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि अगर 10 लाख रुपीस टोटल कैपिटल चाहिए, उसमें से कंपनी पूरे शेयर एक साथ इशू नहीं करती है. उसमें से अगर कंपनी ने सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 40,000 इंटू 10, तो कंपनी के पास, रामू काका के कंपनी के पास कितने पैसे जमा होंगे, 4 लाख रुपीस. 10 लाख में से आपके पास 4 लाख जमा हो चुके हैं, तो कितने जमा नहीं हुए, 10 लाख में से 4 लाख माइनस करो 6 लाख होगा. ये जो 4 लाख रुपीस जमा होंगे उसको कहा जाएगा इशू कैपिटल. मतलब आपने शेयर इशू कर दिया, 40,000 शेयर मार्केट में अगर कंपनी इशू करती है पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो उसको कहा जाएगा इशू कैपिटल. ठीक है, और जितने शेयर इशू नहीं किए, 1 लाख शेयर थे उसमें से 40,000 शेयर्स आपने इशू कर दिए, बचे कितने, 1 लाख में से 60,000 शेयर जो आपने इशू नहीं किए, जो इशू कर दिए मार्केट में बेचने के लिए उसको इशू कैपिटल, जो इशू नहीं किए मार्केट में बेचने के लिए उसको अनइशू कैपिटल. तो इशू कैपिटल की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल. इशू कैपिटल जो है वो ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा है, आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा, ऑथराइज कैपिटल का हिस्सा होता है इशू कैपिटल. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को वो ऑफर कर रही है कि आप इतने शेयर खरीदो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, एंड दैट इज द शेयर दैट कंपनी ऑफरिंग टू द पब्लिक टू बाय. 40,000 शेयर कंपनी बेचने के लिए लगा रही है, 10 लाख, 1 लाख शेयर नहीं, 1 लाख शेयर पूरे नहीं निकाल रही, 40,000 उसमें से इशू किया, जो इशू किया पब्लिक के लिए खरीदने के लिए उसको इशू कैपिटल, जो नहीं इशू किया उसको अन इशू कैपिटल. 40 में 40 इशू कर दिए, 60,000 शेयर इशू नहीं किए थे उसको कहा जाएगा अन इशू कैपिटल. तो आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि अन इशू कैपिटल किसको कहा जाता है. अब हम आगे बढ़ते हैं इशू कैपिटल में से. मतलब जैसे आपने शेयर 40,000 इशू किया, तो जरूरी थोड़ी है कि सारे शेयर्स आपके सेल आउट हो जाएंगे. अगर 40,000 में से सिर्फ 30,000 शेयर बिके, 30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया. ठीक है, तो 30,000 इंटू 10 कितना होगा, 30,000 शेयर्स. 30,000 इंटू 10 सॉरी 3 लाख रुपीज. तो 3 लाख रुपीज जो है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, सब्सक्राइब कैपिटल. ठीक है,
सब्सक्राइब किसको कह रहे हैं, 40 में से 30,000 शेयर्स लोगों ने ले लिया 10 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास 3,00,000 रुपए जमा हो गए, उसको कहा जाएगा सब्सक्राइब। और जो नहीं लिया, 40 में से 30 माइनस करो, 40 में से 30 ले लिया तो 30 क्या हो गया, सब्सक्राइब। और जो नहीं लिया वो कितना बचा, 10,000, 10,000 को क्या कहा जाएगा, अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, तो 10,000 × 10 1,00,000 रुपीज इज अनसब्सक्राइब कैपिटल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब की बात। सब्सक्राइब में भी क्या होता है, कंपनी एक साथ पूरा पैसा कॉल नहीं करती, थोड़ा थोड़ा पैसा मंगवाती है। जो पैसे कॉल किए, मतलब जो पैसे कंपनी ने मंगवाए, उसको कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। तो 30,000 शेयर्स में से 5 रुपए कॉल किए, 5 रुपए कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवाए, ठीक है, तो 30,000 × 5 हो जाएगा 1,50,000 शेयर्स, 1,50,000 रुपीज, एक्चुअली 1,50,000 रुपए जो आपके पास जमा हो गए, तो ये क्या कहलाया जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल। जो कंपनी ने पैसे मंगवा लिए लेटर भेजकर, अलॉटमेंट लेटर भेजकर कंपनी कॉल करती है पैसा, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन में ले लिया पैसा, जो भी है, जो पैसे आ चुके हैं उसको कॉल्ड अप। जो पैसे नहीं मंगवाए कंपनी ने, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब कंपनी कॉल करती है, पैसे मंगवाती है उनसे लेटर भेजकर, ठीक है, जो पैसे मंगवाए उसको कॉल्ड अप, जो पैसे नहीं मंगवाए उसको अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाएगा। तो अनकॉल्ड कैपिटल यहाँ पे 4 रुपए के हिसाब से दिया है कि आपने 4 रुपए नहीं कॉल किए, तो उसको कहा जाएगा अनकॉल्ड। 30,000 × 4 आ रहा है 1,20,000, 1,20,000 आपने अभी तक कॉल नहीं किया, जब जरूरत पड़ेगी तब कंपनी उसको कॉल करेगी, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिजर्व कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। 1 रुपए डिफरेंस आ रहा था, देखो 5 रुपए मंगवा लिए थे, 4 रुपए ये हो गए, 9 रुपए ये हो गए, 1 रुपए नहीं कॉल किया, वो रिजर्व कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कंपनी ने कॉल तो किया 5 रुपए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने पैसा दिया हो और कुछ लोगों ने ना दिया हो, ठीक है। जो लोग पैसा दे देंगे, जो पैसा मतलब कंपनी के पास रिसीव हो जाएगा, उसको कहा जाएगा पेड अप कैपिटल। और जो पैसा नहीं देंगे उसको कहा जाएगा कॉल इन अरियर्स, ठीक है। तो इस तरह से सुनो, फिर से समझ लो, जो पैसा आपके पास आ चुका है उसको पेड अप, जो पैसा आपके पास आपने कॉल किया था लेकिन उन्होंने नहीं दिया उसको कहा जाएगा कॉल इन अरियर्स, जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। डेफिनेशन भी वहां पे बहुत क्लियरली आपको दिया हुआ है इन सब चीजों का, आप एक बार डेफिनेशन के गो थ्रू भी हो जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो मैंने बात कही है वही बात वहां पे डेफिनेशन में भी कोड की गई है, ठीक है। तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको समझिए, अगर कोई डाउट आता है तो फिर से पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए, चैनल पे बार बार आने के लिए, ऑफ कोर्स वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।